राम कौन है? राम राम कौन? और आपको कल कथा में कहा था, आपको कल कथा में वर्णन किया था कि महाराज एक मन का संशय ये है कि हम जो ग्रहण कर रहे हैं, हम जो पा रहे हैं, हम जिस कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, हम जिसको छू रहे हैं, वह राम या दशरथ जी का बेटा राम, कौशल्या के पुत्र राम जो वन में गए वो राम, या जो शबरी के दरवाजे पर पहुंचे वो राम, ये सब राम की भ्रांति या सभी राम में कोई अंतर है क्या? महाराज सब सब राम में कोई भेद नहीं है, राम अलग नहीं है, राम कोई विभाजित नहीं है, राम एक ही है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, सब राम एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। महाराज दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि राम अलग है, कृष्ण अलग है, शिव अलग है। माताएं कहती थी कई बार, हम राम जी को मानते हैं, वो कहते हैं हम शंकर जी को मानते हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम उनके मंदिर नहीं जाते, हम ऐसा नहीं करते। सबने अपने अपने धर्म को बांट लिया, कोई कहता हम इस धर्म के, कोई कहता हम वो धर्म के, वो कहता हम इस धर्म का है, हम भगवान की कथा में नहीं जाएंगे, हमारा ये धर्म है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हमारा ये कर्म है, हम नहीं जाते। याद रखना, गुलाब जामुन खा लो, इमरती खा लो, भजिया खा लो, समोसा खा लो, खाने के बाद जाना तो पेट में ही है। उसी तरह राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो कहो, पर आखिरी में तो वहीं जाओगे कि और कहीं चले जाओगे? अरे बोलो तो, कोई दूसरी जगह भी हो तो बता दो, किसी को जाना हो जाना तो वही, कुछ भी खाओ, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, रसगुल्ला, तुम्हारा मन पड़े जो पाई जाओगे वहीं। उसी तरह चाहे राम कहो चाहे जग में सुंदर है तो तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, बस जपने में तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं होती कि हम कौन से कपड़े पहनकर भगवान को पाए, कौन से वस्त्र। भगवान को पाने के लिए कपड़ा नहीं बदला जाता, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदला जाता है। केवल कलेजा बदल लो, भगवान मिल जाएगा। कपड़ा बदलने से, कई लोग होते हैं कपड़ा बदल बदल के भगवान को पाने का सोचते हैं कि अभी हमने ये वाले कपड़े पहन लिए, फिर हमारे कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे, हम इसको शुद्ध कर लें। भगवान को पाने के लिए कपड़ा नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। कलेजा बदलोगे भगवान मिल जाएगा, तो मिल सकता।